भोपाल में अवैध मजार पर टीवी 9 की खबर का बड़ा असर। नगर निगम की टीम ने 4 अवैध मजारों को हटाया। मामले में जांच भी शुरू हो गई है। इन अवैध मजारों की टीवी 9 ने पड़ताल की, जिसके बाद मामले की जांच के लिए कमेटी गठित हुई है। पर्यटन मंत्री की माने तो अतिक्रमण करने वाले पर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के पाटन विधानसभा में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो गई है। इस प्रशिक्षण शिविर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि प्रभारी शैलजा के निर्देशन पर सभी विधानसभा में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के इतिहास, नेताओं के बलिदानों को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। भाजपा के साथ वैचारिक लड़ाई है। शैलजा जी के निर्देश पर लगातार प्रशिक्षण का कार्यक्रम, आपने देखा कि 5 संभागों के प्रशिक्षण हो गया, कल अब विधानसभा स्तर के भी पाटन से शुरू किए हैं और आज सभी जिला अध्यक्ष और जितने भी निगम मंडल के अध्यक्ष हैं उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम, और उसके बाद फिर विधानसभा का लगातार प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलेगा और बहुत तेज़ी से, क्योंकि बहुत सारी टीम बना दी गई है। एक साथ 5-6-7 विधानसभा एक साथ ट्रेनिंग किया जाएगा, जिसमें सेक्टर और जोन स्तर के पदाधिकारी रहेंगे। बूथ का प्रशिक्षण इसके बाद होगा। आदि पुरुष रिलीज होने के बाद से ही विवादों में है। देश भर में विवादों के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसके डायलॉग की निंदा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हनुमान जी से बजरंग दल जैसे डायलॉग बुलवाए गए। अभी सरकार में ये फीचर आई है जिसमें आदि पुरुष, अब उसमें तो उस समय जो संवाद है, उसकी भाषा है, वो सब मर्यादित है। रामायण को हम लोग उसी दर्शन, जो रामायण है उसमें भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है, और किसी के द्वारा इस प्रकार से जो उसमें शब्दों का जो चयन है वो सभी मर्यादित है। लेकिन आज जो आदि पुरुष में हनुमान जी के जो डायलॉग है, अन्य पात्रों के जो डायलॉग हैं, उनके द्वारा बोले गए शब्द हैं, वो निम्न स्तर के हैं, जली ना और जलेगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इस चुनावी साल में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमला करने का कोई अवसर नहीं गवाते। शनिवार को एक ऐसा मौका बीजेपी के हाथ लग गया, जब कांग्रेस की नारी सम्मान योजना के भरे हुए फॉर्म पर समोसे और भाजी बड़े परोसते हुए वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस द्वारा मध्य प्रदेश की माता और बहनों के साथ नारी सम्मान योजना के फॉर्म भरने के नाम पर छल किया गया था। इसके साथ ही उनकी गोपनीय जानकारी भी सार्वजनिक की जा रही है। ऐसे में बीजेपी ने सवाल पूछा है कि अगर माता और बहनों के साथ कोई साइबर या अन्य अपराध होता है तो क्या कांग्रेस इसकी जिम्मेदारी लेगी। मध्य प्रदेश में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी भी हाथ आजमाएगी। पंजाब में जीत के बाद से आम आदमी पार्टी का जोश हाई है। अब आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस को नया ऑफर दिया है, और वो ऑफर है कि अगर कांग्रेस दिल्ली और पंजाब में चुनाव नहीं लड़ती है तो ऐसे में आप भी राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेगी। इंदौर में 2 दिन पहले शहर में चक्का जाम कर रहे बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर पुलिस लाठीचार्ज का विरोध बढ़ता जा रहा है। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद अब संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने भी पुलिस की निंदा की है। उषा ठाकुर ने कहा है कि बजरंग दल राष्ट्र भक्तों का संगठन है। उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग आतंकियों के साथ बैठक करते हैं। बजरंग दल ने अपना एक लोकतांत्रिक प्रदर्शन किया और वो मांग कर रहे थे कि सख्ती से इन पर पाबंदियां लगनी चाहिए। हम लोग भी चिंतित हैं, प्रशासन के साथ लगातार बैठकें भी चल रही है और इन सबको नेस्त नाबूद किया ही जाएगा। इसी बीच पता नहीं क्या दुर्घटना घटी। भाई लोकतांत्रिक पद्धति है, हमारे बजरंग दल के लोग आपसे ज्ञापन दे रहे थे, आप ज्ञापन ले लेते, वो तो शांतिपूर्ण अपनी गिरफ्तारी भी देने के लिए बस में चढ़ने को तत्पर हुए। पता नहीं किस के आदेश से, किस त्रुटि से इतनी पिटाई कर डाली, ये तो कोई बात नहीं हुई। कांग्रेस पूरे मामले अभी जिनने भी गलती की वो लोग सब दंडित हुए, लाइन अटैच हुए कांग्रेस।
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां ग्रामीण कलेक्टर के पास पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि दबंगों ने सड़क को खोदकर खेत बना दिया है, जिससे लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। मामले में ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की है, साथ ही सड़क बनाने की मांग भी की है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के भाई की हत्या की कोशिश का मामला सामने आया है। दो कारों में सवार 8 युवक ग्वालियर के एक होटल के सामने हंगामा कर रहे थे। जब ऊर्जा मंत्री के भाई सत्येंद्र तोमर ने उन्हें रोका तो उन्होंने गालियां देते हुए उन पर दो बार कार चढ़ाने की कोशिश की। सत्येंद्र तोमर ने भागकर अपनी जान बचाई। घटनाक्रम के समय होटल का स्टाफ भी मौजूद था। स्टाफ ने एक लड़के को पकड़ लिया और फिर सभी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश में 21 से 22 जून तक बीपरजॉय का असर दिखेगा। आज राजस्थान से सटे इलाकों में बूंदाबांदी हुई। ग्वालियर चंबल में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है।